हे गाइस वेलकम टू माय रश्मि जैन। तो गाइस मंडे नाइट रो हो चुकी है एंड भाई साहब कोडी रोड्स ने V18 प्लस प्रोमो कट किया है रॉक पे एंड भाई साहब एक डील की है पॉल हेमन के साथ। मेन इवेंट मैच था हमारी बैकी लेज वर्सेस नाया जैक्स लास्ट मैन स्टैंडिंग और गाइस क्वालिफाई कर चुकी हैं टैग टीम। तो गाइस अगर रॉ से फुल अपडेट सुनना चाहते हो एंड गाइस शो में क्या हुआ ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट देना है, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो गाइस शो की स्टार्टिंग होती है हमारे जे उसो से। जे उसो आते हैं, विजिट करते हैं रिंग में और प्रोमो कट करते हैं। दिस इज द थर्ड टाइम इन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम हुआ था जेफ और मैट, उसके बाद आपको पता है ब्रेट हार्ट के ब्रदर ओन हार्ट एंड अब जिमी एंड जे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर रेसलमेनिया, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, थर्ड टाइम इन हिस्ट्री मेकिंग। एंड गाइस जे कहते हैं कि भाई जल्दी यार, मुझे पता तू यहीं पर खड़ा है, यहीं पर कहीं बैठा हुआ है। एंड भाई साहब जिमी आते हैं रिंग में एंड भाई साहब प्रोमो कट करते हैं और वो बोलते हैं पहली बार तूने मेन इवेंट जो हमारे जिमी जे को कहते हैं तूने तेरा सबसे बेस्ट मूवमेंट मेरे साथ है लास्ट ईयर हमारी रेसलमेनिया में, एंड तेरा सबसे बेस्ट मूवमेंट भी मेरे साथ है और तेरा हर मूवमेंट मेरे साथ है, लेकिन जब तूने ब्लड लाइन से बाहर निकला मंडे नाइट रॉ पे आया टॉप स्टार बन गया, यहाँ का टॉप हीट मूवमेंट बन गया तेरा। तो गाइस उन्होंने कहा कि तूने टैग टीम पार्टनर चेंज कर दिया, तूने ब्लड लाइन का मेंबर चेंज कर दिया, तू ये सोचता है कि यू आर अ बेस्ट बट नो ब्रदर, यू आर बेस्ट फॉर ब्लड लाइन। तो ये चीज़ें कहीं जब जे ने कहा कि तू मेरे पास आ जा, ब्लड लाइन तेरा यूज़ कर रही है, बस तुझे मतलब इस्तेमाल कर रही है, ये सोच एंड समझ मेरे पास आ। लेकिन गाइस तभी मैं ब्रॉल होती है और जे उसको थप्पड़ लगाते हैं अपने ब्रदर को और भाई साहब इनके मैं गाइस जे को भारी पड़ जाता है जिमी पे अटैक करना, क्योंकि सोलो स्कोआ होते हैं वो अटैक कर देते हैं, बोथ अटैक करते हैं, कोडी रोड सेव करने आ जाते हैं एंड गाइस कटर लगाते हैं सोलो को। एंड भाई साहब बैक स्टेज में देखने को मिलता है पॉल हेमन आगे कहते हैं कि सॉरी मेरे बंदे यहाँ पे आए, निक एल्डर्स जो एडम पियर्स हो तो निक एल्डर्स को कह रहे थे तेरे बंदे यहाँ पे आ रहे हैं। एंड भाई साहब इसी पे रिलेटेड एक प्रोमो कट होता है, आगे बताता हूँ आपको। तो गाइस ये प्रोमो कट था बैक स्टेज। उसके बाद ये भी बताया गया कि रॉक रॉ में आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट मंथ वो रॉ में आने वाले हैं। उसके बाद हमें गाइस नेक्स्ट देखने को मिलता है मैच DIY वर्सेस ग्रेट ब्रदर्स का। DIY जीत चुकी है इस मैच को एंड भाई साहब इज क्वालिफाई फॉर अ सिक्स पैक टैग टीम मैच एट रेसलमेनिया 40 राइट नाउ। ग्रिक ब्रदर्स अब मतलब इतने टाइम बाद आए तो उन्हें इतनी जल्दी मिलेगा नहीं मौका, लेकिन गाइस आपको पता है DIY को मतलब पुश किया जा रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए तो उन्हें मौका मिल गया। नेक्स्ट अपने बैक स्टेज देखने को मिलते हैं गाइस अंद्रादे जजमेंट डे के साथ, जजमेंट डे के साथ प्रोमो कट कर रहे थे, डिलीवर कर रहे थे प्रोमो। एंड गाइस तभी अंद्रादे को रिया रिप्ली कहते हैं कि तुझे कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा इस फैक्शन में आने के लिए, तो उन्होंने ये कहा। इवन गाइस उन्होंने JD मैकडाना को कहा कि तू हारा कैसे, तू रिकीशी जैसे फूल बंदे से कैसे हार गया, वाई यू लॉस अगेंस्ट रिकीशी। तो गाइस उनका मैच था डोमिनिक मिस्टीरियो का रिकीशी के साथ तय हो गया था। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिला गाइस इंडेड हार्डविल वर्सेस कैंडिस मरे एंड हमारी टैग टीम। तो गाइस वो बहुत ही अच्छा मैच था, लेकिन गाइस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि कैंडिस मरे के करेक्टर को लाइक पहले की तरह बनाया जा रहा है, लाइक उसके करेक्टर को एक अलग तरह की वाइब दी जा रही है और इस मैच में वो जीत गए हैं भाई साहब, वो थोड़ा सा ना अलग डिफरेंट करेक्टर लेके जा रहे हैं। तो देखो गाइस क्या करते हैं डब्ल्यू। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है गाइस प्रोमो कट, कोडी रोड्स आते हैं रिंग में प्रोमो कट करते हैं। भाई साहब जो उन्होंने प्रोमो कट किया ना आज, उन्होंने भी 80 प्लस वर्ड यूज़ कर दिए, रॉक को क्या क्या वर्ड बोले उन्होंने, ये कह दिया कि तू मेरी माँ के बारे में बोल रहा है कि मैं तेरी माँ को कैसे मतलब दिखाऊंगा कि तुझे कैसे पीटता हूँ। तो उन्होंने कहा तेरी मम्मी भी तो है, तेरी माँ भी तो है, इतनी चीज़ें कही, मतलब तेरी मदर भी तो है, तेरी मदर भी तो रिंग में आएगी, ही इज़ अ यंगर, ही इज़ अ स्मार्टर, बट तू क्या है तू ये। भाई सब क्या प्रोमो कट किया उन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो एवर मेकिंग। हमें लगता है ना रॉक ही ऐसे प्रोमो कट कर सकते हैं 80 प्लस, ये भाई सब फुल अथॉरिटी दी कोडी को भी ये प्रोमो कट करने के लिए। एंड भाई साहब लास्ट में उन्होंने एक वर्ड बोला, तो गाइस वो वर्ड मैं बता नहीं सकता आपको, आप देख लेना हाईलाइट को, वैसे भी सेंसर कर देगी WWE सोनी स्पोर्ट पे आता है। तो गाइस ये चीज़ हुई है, मतलब प्रोमो भी अच्छा कट गया। उसके बाद पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि मेरे पास तेरे लिए एक डील है, आई हैव अ डील विद यू, रोमन रेंस स्मैकडाउन पे अकेला आएगा, तू भी अकेला अलोन आ, वो भी अलोन आएगा, यू आर अलोन इन विजिटिंग स्मैकडाउन एंड रोमन ऑल्सो, ब्लड लाइन नहीं इन्वॉल्व होगी ना कोई इन्वॉल्व होगा। तो गाइस डील डन कर दी है। एंड बैक स्टेज जे उसो ने कहा कि ये सिर्फ उनका जाल है, एक ट्रैप है तेरे लिए, दिस इज अ ट्रैप फॉर यू मेकिंग माई ब्लड लाइन। सो गाइस अब कोडी जाएंगे अलोन विजिट स्मैकडाउन एंड फेस टू फेस रोमन रेंज, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी फॉर स्मैकडाउन। एंड ये सेटअप हो चुका है, ये चीज़ होने वाली है नेक्स्ट वीक।
सॉरी इसी वीक हमारे रोमन रेंज एंड कोडी रोड फेस ऑफ करेंगे। तो गाइस उसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक से सैमी ज़ेन, वो आगे पूछते हैं जैट गेबल को जैसा मैच करके मुझे अच्छा लगा लेकिन तू मतलब खुश है, तो भाई साहब इनकी थोड़ी सी वो अनबन सी दिखा रहे हैं। तो वो जैट गेबल कह रहे हैं आई एम हैप्पी मतलब दो दिन बाद ऐसी वर्ड के, और उन्होंने एक जाते हुए चीज़ कही यू कांट बीट गुंथर। और भाई साहब ये चीज़ सुनने के बाद उनका नेक्स्ट सेगमेंट था। उससे पहले गाइस हमारा मैच हुआ हमारे हिंदू शेर वर्सेस ऑसम मेज एंड ऑसम त्रुते के बीच मैच हुआ। एंड भाई साहब हिंदू शेर को तो क्या दिखा रहे हैं यार, क्या भाई जोबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्या है मतलब ना कोई उन्हें कभी दे रहे हैं चांस। एंड भाई साहब हार गए हैं, ऑसम त्रुथ एंड मेज ने भी क्वालिफाई कर लिया है फॉर रसलमेनिया सिक्स पैक चैलेंज। तो देखो गाइस क्या होता है, बाकी हिंदू शेर के लिए मुझे नहीं लग रहा फ्यूचर इतना अच्छा ब्राइट है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो गाइस हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जैट गेबल एंड गुंथर का। जैट गेबल एंड गुंथर रिंग में आते हैं एंड भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है एंड गुंथर कहते हैं कि तुझे सब चेयर करते हैं, सब बोलते हैं यस ये वो, लेकिन तू मुझे नहीं बीट कर सकता, इवन तेरे फ्रेंड ने तुझे सजेशन दिया है जो मुझसे हार चुका है, ही सजेस्ट यू कांट बीट मी, सो मैच कर और निकल यहाँ से। और भाई साहब यही चीज़ बैक स्टेज आगे सैमी ज़ेन ने कही कि तेरी फैमिली को नीड है तो मेरी फैमिली को नीड नहीं है, ये चीज़ें तो वो नहीं है। गाइस जैट गेबल ने कहा ही इज़ अ बीस्ट, ही इज़ अ मॉन्स्टर, और तू उसे हरा नहीं सकता ऐसे क्योंकि वो ऐसे गिड़गिड़ाता नहीं तेरे जैसे। तो ये चीज़ें कही हैं, बाकी इनकी कॉन्फ्लिक्ट कोई हो रही है चीज़ वो मैटर आगे पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होने वाला गाइस बहुत बड़ा, ये सो के चलो जैट गेबल के साथ। गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड ड्रू मैकइंटायर का सेगमेंट। ड्रू मैकइंटायर आते हैं लेकिन इंटरप्ट कर देते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आगे सिंपल सी बातें कहते हैं एंड कहते हैं हाँ मैं भाई जंकी हूँ। एंड भाई साहब उन्हें नोटिस कीजिए कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने अपने हैंड पे प्रोमो लिखा हुआ था जैसे लाइक रॉक उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि रॉक अपने प्रोमो नहीं कट कर सकता, क्योंकि एक टाइम पे जॉन सिना के सामने रॉक ने ऐसे प्रोमो लिखा था एंड जॉन सिना ने क्रिटिसाइज कर दिया था रॉक को, वही चीज़ रिप्रेजेंट की है हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने। एंड भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर, सेथ रॉलिंस ने कहा कि मैच होगा सब कुछ होगा लेकिन तू भी भूखा है स्पॉटलाइट का, मैं भी भूखा हूँ। एंड गाइस ड्रू मैकइंटायर ने सबसे बेस्ट चीज़ ये कही है, उन्होंने ये कहा कि तू उनके पीछे जा रहा है स्पॉटलाइट के लिए, तू उनके पीछे जा रहा है लेकिन दिस चैंपियनशिप मेक फॉर यू एंड मी, आई वॉन्ट मेकिंग दिस चैंपियनशिप फॉर नेक्स्ट लेवल एंड द वर्क फोर्स आई मेक। उन्होंने कहा कि ले ले जितनी स्पॉटलाइट लेनी चाहता है तू, लेकिन असल में के बाद साइज पोलैंड मेरे ऊपर पड़ेगी क्योंकि मैं तुझे हराने वाला हूँ, तुझे बीट करने वाला हूँ। एंड भाई साहब उनका प्रोमो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कट किया। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है गाइस न्यू डे वर्सेस हमारे अल्फा एकेडमी। तो न्यू डे जीत चुकी है, क्वालिफाई कर चुकी है मैच में एंड दिस इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट मैच नहीं कह सकते बट हाँ ठीक था। मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है हमें बैकी लेज वर्सेस नाया जैक्स एंड दिस इज़ द डेंजरस मैच गाइस। हमारा फाइनल मैच था मेन इवेंट नाया जैक्स वर्सेस हमारी बैकी लेज। तो गाइस मैच बहुत अच्छा था, मैच बहुत परफेक्ट था एंड गाइस मैच की एंडिंग हुई आपको पता है बैकी लेज को जितवाना था एंड रिया रिप्ली के आगे खड़ा करना था। तो गाइस मैच बहुत बेस्ट था, स्टील चेयर्स यूज हुई, टेबल टूटे, भाई साहब एक तो मैन हैंडल स्लैम लगाई जो ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे फेंका एंड भाई साहब ऊपर से टेबल थ्रो भी किया एंड ऊपर से ही क्या कहते हैं वो होती नहीं लैडर उसी से टेबल पे गिरी हैं नाया जैक्स पर, तब जाके नाया जैक्स हारी हैं। एंड भाई साहब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर मेकिंग बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई। बैकी लेज के करेक्टर को नाया जैक्स से मतलब जितवा के एंड रिया रिप्ली आती है एंड रिया रिप्ली एंड बैकी लेज का फेस ऑफ होता है, मैच एंडिंग होता है शो का। एंड भाई साहब इससे ये पता रहा है कि नाया जैक्स रिया रिप्ली अब सॉरी रिया रिप्ली एंड बैकी लेज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर मेकिंग बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच एंड राइट नाउ दिस मैच इज़ गो फॉर रसलमेनिया फॉर हाइस्ट लेवल। लेकिन गाइज मुझे लगता है नाया जैक्स हारेगी, सॉरी रिया रिप्ली हारेगी बिकॉज उनका करेक्टर जिस लेवल पे है ना मुझे लगता हार सकती है। इवन मुझे लगता है उनको रोमन रेन जितना मतलब रेन देना चाहिए क्योंकि जिस लेवल पे वो वुमेन डिवीजन पे है ना वो डिजर्व भी करती हैं। तो देखो गाइज बाकी क्या होता है, बाकी ये अपडेट थी रॉ की व्यूअरशिप की। तो अगर वीडियो चल के चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना, थैंक यू सो मच।